नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्राफ्टी फूडीज चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ राजस्थान की प्रसिद्ध पारंपरिक रेसिपी मूंग दाल बड़ी या मंगोड़ी। वैसे तो ये बाजार में भी आसानी से मिल जाती है, लेकिन उसमें शुद्धता की कोई गारंटी नहीं होती और दाल से 3 गुना दाम में हमें मिलती है, तो क्यों ना हम बड़ी को घर में ही बना लें। बहुत ही आसान तरीका है उसका, तो आप इस वीडियो में देखिए। और साथ ही राजस्थान में ये प्रसिद्ध क्यों है इसके लिए एक स्टोरी है, तो वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, तो आप स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें। यहाँ मैंने आधा किलो मूंग की धुली हुई दाल ली है। दाल को अच्छे से 2-3 बार धो के उसको 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया। मूंग की दाल जल्दी ही भीग जाती है, और फिर उसका सारा पानी निकाल के उसको ग्राइंडर में मैंने पीस लिया है। इस तरह थोड़ा सा दरदरा पीसती है दाल। अब क्योंकि मैं ये प्लेन मंगोड़ी बना रही हूँ बिना मसाले की, तो मैं इसमें सिर्फ हींग डालूँ, तो मैंने ली है 1 चुटकी हींग, और ये बहुत प्योर हींग है एकदम, इसलिए कम ही ली है मैंने। उसमें 2 चम्मच पानी डाल के 1 कटोरी में उसको भिगो दिया 5 मिनट के लिए। हींग डालने से एक तो मंगोड़ी में कीड़े होने का चांस कम रहेगा, और दूसरा इसमें मूँग दाल में हींग की खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। अब हींग पानी में भीग गई पूरी तरह से, अब हम इसको दाल में डाल देंगे और दाल को 5 से 7 मिनट तक अच्छे से फेटेंगे, जब तक दाल फ्लफी हो जाए, जिससे मंगोड़ी हल्की और कुरकुरी बनेगी। मैं दाल के पेस्ट को अपने जहाँ धूप आ रही है बरांडे में ले आई हूँ, और यहाँ मैंने प्लास्टिक बिछा दिया है क्योंकि मुझे ज़्यादा मंगोड़ी बनानी है, तो यहाँ मैंने प्लास्टिक बिछा दिया है। यहाँ पर पूरे दिन धूप आएगी, और इसको हमें सुबह सुबह धूप में बना देना चाहिए, जिससे पूरा दिन की धूप शाम तक की धूप मंगोड़ी में लग जाए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। तो दाल के पेस्ट को उंगलियों और अंगूठे के बीच में लेके इस तरह से हम प्लास्टिक पर छोटे छोटे उसके टुकड़े रखते जाएंगे। मंगोड़ी को ना ही बहुत बड़ा बनाएं और ना ही बहुत छोटा बनाएं। छोटी तोड़ेंगे तो अभी जब ये सूख जाएगी तो और भी छोटी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा साइज मीडियम रखना है इनका। तो मैं बता रही थी कि राजस्थान में मंगोड़ी की परंपरा कैसे है, तो मेरी दादी नानी के टाइम से ही मैं देखती आ रही हूँ कि घर में कभी भी कोई शादी का प्रसंग होता है और शुरू होता है, तो वो माहौल मंगोड़ी पापड़ बनाने से ही शुरू होता है। घर में लेडीज़ मंगोड़ी तोड़ती रहती थी और धार्मिक या शादी वाले पारंपरिक गीत गाती रहती थी, एक रिचुअल ही बन गया ये। दूसरी बात, शादी के टाइम में पहले के टाइम रिलेटिव्स जो हैं 1 महीना 15 दिन पहले ही घर आ जाया करते थे, तो सब्जी की व्यवस्था हमेशा बनी रहे, इस वजह से पापड़ मंगोड़ी वगैरह बना लिया करते थे। तो बातों बातों में मेरी इतनी बड़ियाँ तैयार हो गई हैं, और बड़ियाँ बनाने का दूसरा तरीका भी मैं आपको अभी बताऊँगी, उससे और भी फास्ट और भी जल्दी ये बड़ी बना सकते हैं। वैसे तो इन बड़ियों को सब्जी में ही डाला जाता है जिसमें सारे मसाले आ जाते हैं, लेकिन फिर भी मसाले वाली बड़ी बनानी है तो उसमें नॉर्मल मसाला धनिया मिर्ची नमक डाल के आप मसाले वाली बड़ी बना सकते हैं। और जल्दी बड़ी बनाने के लिए इस तरह पॉलिथीन का एक नमक की थैली या फिर दूध वाला पैकेट जो आता है वो लेके, और उसका एक कॉर्नर में कोन बना के उसका कॉर्नर में एक छोटा होल कट करके, और उसमें आप ये वड़ी का मसाला भर लें, और कम ही मसाला भरें, बहुत ज़्यादा नहीं तो वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। इस तरह से जल्दी जल्दी वड़ी बन जाती है। इन वड़ियों को 2 से 3 दिन की कड़क धूप लगाना बहुत ज़रूरी है, और फिर बाद में डिब्बे में बंद करके पैक करके आप रख सकते हैं, और फिर बारिश के टाइम में भी, बारिश के होने के बाद भी आप इसको धूप दिखा दें, ऐसे करके 2 बार बीच बीच में धूप दिखा दें इनको। और आपको बहुत ही कम बड़ी बनानी है तो आप ऐसे प्लेट में भी ऑयल लगा के और इस तरह से बड़ियों को प्लेट में बना सकते हैं, और इस पर से आराम से उतर भी जाएगी जब सूख जाएगी, भी बहुत इजी तरीका है। और देखिए इसमें फटाफट से सारी बड़ियां बन गई है, और मेरी सारी बड़ियां ही अब तैयार हो गई हैं। अब मैंने इनको धूप में सूखने छोड़ दिया है पूरे दिन के लिए, और शाम को मैंने इनको अपनी टेबल पर उठा के रख दिया था, तो अपने आप ही ये बड़ी प्लास्टिक से उतरने लगी, यानी कि थोड़ा बहुत सूख गई है, लेकिन इनको 2 दिन की धूप लगाना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं इनको इकट्ठा करके और छत पे रख के धूप लगा दूँगी। देखिए ये पूरी बड़ी एकदम अब कड़क हो गई, सूख गई बिल्कुल। अब हम इनको स्टोर कर लेंगे एक एयर टाइट कंटेनर में,
और आपको इन इन अगर बड़ियों को धूप लगाने का भी समय नहीं है तो इनको एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रिज में आप रख दें और निश्चिंत हो जाएं, इसमें कोई कीड़ा वीड़ा नहीं लगेगा। भर तक ये ऐसे ही सुरक्षित रहेंगी फ्रिज में। थोड़ी सी बड़ियाँ मैंने बाहर रख ली, तो हम देखेंगे कि इनका यूज़ कैसे करते हैं, कैसे इसको सब्जी में बनाते हैं। तो कढ़ाई लेंगे, उसमें एक चम्मच तेल डाल के इसको गोल्डन ब्राउन भून लेंगे। आप इसको आलू की सब्जी में डालिए, बैंगन के साथ बना लीजिए, या खिचड़ी में आप बनाइए, उसमें भी ये भुनी हुई मंगोड़ी ही काम आती है, और कढ़ी में भी बहुत टेस्टी लगती है ये मंगोड़ी डाल के। तो इस तरह से इसको भून के ही काम में लिया जाता है, कच्ची में उतना स्वाद नहीं आता है। और जब इसको भूनते हैं तो इतनी अच्छी खुशबू इसमें से आती है कि शाही पकवान भी फेल है। कि ये गोल्डन कलर की हो गई हैं बढ़िया, अब भुन के तैयार हो गई। अब इनको आप बनती हुई सब्जी में, मतलब सब्जी के साथ ही आप इनको डाल देंगे तो ये भी पक जाएगी सब्जी के साथ साथ, और सब्जी का स्वाद भी दुगना कर देंगे। और खाली आप इसको भी वड़ी को भी बना सकते हैं। मूंग दाल की मंगोड़ी से बनी रेसिपीज़ मैं आपके साथ किसी और वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, मंगोड़ी बनाने का तरीका और उससे संबंधित जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। गर्व से बोलें जय भारत।